हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अरीना। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर सीरीज़ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी अरीना को। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी अदर कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम की बात हो रही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में हम जिस राइटर को कवर करेंगे उनका नाम है शशि थरूर। आप सभी इनको जानते ही हैं ऑलरेडी, इंडिया के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े लेखक और सांसद भी हैं ये भारत में, संसद में, ठीक है। और आज का जो हमारा ये सीरीज़ है, इसमें पार्ट 4 कवर करना है, जिसमें से इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी तीन राइटर्स के बारे में बताया है, जिनके नाम है अरुंधति रॉय, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड। इनके कई इंपॉर्टेंट बुक्स को मैंने वहाँ पर अच्छे से आपको बताया है, जिसके बारे में एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। शशि थरूर के बारे में कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको इनके लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए शशि थरूर के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये 9 मार्च 1956 को लंदन में हुआ था। देखिए, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा लंदन में जन्म हुआ है तो, बट ये इंडियन है, क्योंकि इनके जो फादर थे ये एक डिप्लोमेट के तरीके से इंग्लैंड में काम कर रहे थे। तो इस तरीके से जो भी कोई विदेश में भारत का जो राजदूत होता है, जन्म लेता है उसके घर में कोई संतान, तो वो भारतीय ही कहलाता है। और साथ ही में ये तिरुवनंतपुरम यानी केरला से हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं केरला से, तिरुवनंतपुरम से 2009 से, ठीक है। ये कुछ बातें थी आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। आपको लैंग्वेज बिल्कुल नहीं भूलना है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि शशि थरूर जी जिस लैंग्वेज में लिखते हैं उनका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट हम देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई बुक्स। सबसे पहले मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम लिया है नेहरू, द इन्वेंटर ऑफ इंडिया। आप ऐसे भी लिंक अप कर सकते हैं कि जो शशि थरूर हैं ये कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी में बहुत सबसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे। इनके ऊपर एक बुक लिखी थी शशि थरूर ने, जिनका नाम था द इन्वेंटर ऑफ इंडिया। अब जब आप इस बुक को याद करते हैं तो एक बुक आपको और पता होना चाहिए, आप उससे कन्फ्यूज तो होंगे ही होंगे। उस बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर दो बुक मैं आप सभी के सामने आपको बता रहा हूँ। एक का नाम है द नेहरू द इन्वेंटर ऑफ इंडिया और एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जो आपका बुक है नेहरू द इन्वेंटर ऑफ इंडिया, ये लिखा है शशि थरूर ने, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये बुक लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि नेहरू द इन्वेंटर ऑफ इंडिया ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। अगला हमारा है इंडिया, फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। मिलेनियम मतलब होता है 1000 साल का एक पीरियड को मिलेनियम कहा जाता है। तो इंडिया मतलब ये इंडिया के जो हजारों सालों की जर्नी है उसको इस बुक में कवर किया है शशि थरूर जी ने, जिसका नाम है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। अगला देखिए, अगला है आपका शो बिजनेस। शो बिजनेस शशि थरूर ने लिखा है, इसमें बिजनेस के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज दी गई है। अगला जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है द $5 Smile। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि द $5 Smile बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अगला जो इंपॉर्टेंट बुक है जो कई बार एग्जाम में देखा गया है द ग्रेट इंडियन, आपसे काफ़ी सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि द ग्रेट इंडियन बुक किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि द ग्रेट इंडियन बुक लिखी है शशि थरूर ने। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं बुक की, आप नीचे बुक पे नाम देख सकते हैं शशि थरूर। एक और बुक है जिसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, बुकलेस इन बगदाद, यानी कि बगदाद आप सभी जानते हैं इराक की राजधानी है बगदाद, तो बुकलेस इन बगदाद जो है ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बुक है। अगला बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। अब ये वाला जो मैंने आपके लिए स्लाइड लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बुक्स आप लोग देख रहे होंगे, एक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये बुक इंपॉर्टेंट, और आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम का ये
टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसी बुक के लिए, जी हाँ इसी बुक के लिए 2019 में शशि थरूर को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप सभी जानते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड है जो कि 23 लैंग्वेज में दिया जाता है, और उन्हीं 23 लैंग्वेज में एक लैंग्वेज शामिल है इंग्लिश, जिसके लिए 2019 का साहित्य अकेडमी अवार्ड एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर जी को दिया गया था। यह आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट बुक है वाई आई एम ए हिंदू, आखिर मैं एक हिंदू हूँ क्यों, इसमें इसको काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और जो हाल ही में जो सरकमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से ये बुक आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट बुक है उसको कवर करने से पहले मैं आपको इंडिया शस्त्रा बुक के बारे में बताता हूँ। इंडिया शस्त्रा बुक लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा, आप इसे याद रखिए प्लीज़, ये इम्पोर्टेंट बुक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बुक है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। इससे आपको दो बुक याद रखना है, पहला है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा है शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। इसमें एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी की नेगेटिविटी को शो किया था शशि थरूर ने द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक में। तो इसी को काउंटर करने के लिए इसी के अगेंस्ट एक और बुक लिखी गई थी जिसके राइटर थे संजय बारू, तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए, ये कई बार एग्जाम में 2017 के बाद से पूछा भी गया है। राइटर का नाम है संजय बारू, इन्होंने एक बुक लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के अपोजिट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और ये जो बुक लिखी गई थी संजय बारू के द्वारा लिखी गई थी, और उस बुक पे जो इमेज था वो भी लगभग जैसे नरेंद्र मोदी जी को यहाँ दिखाया गया है उसी तरीके से संजय बारू ने अपनी बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह जी का लगाया था, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को काउंटर किया एक तरीके से, ठीक है, जिस पर फिल्म भी बनी थी आपने देखा होगा, उसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह जी का किरदार निभाया था, तो वो संजय बारू की पुस्तक पर ही बेस्ड था, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों बुक्स हो जाती हैं, प्लीज़ आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला एक बुक है द टेलीफोन, माफ़ कीजिएगा, द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेल फोन, ये बुक भी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, बहुत पूछा जाता है, द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेल फोन। हमारा जो नेक्स्ट बुक है ये है इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ, इसमें बताया गया है कि इंडिया ने अभी तक जो भी फेज़ अपना कंप्लीट किया है उसमें से जो इस टाइम जो फेज़ चल रहा है अब ये असली फ्यूचर है, मतलब कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारा देश वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ में शामिल होने वाला है, तो इसी के ऊपर बेस्ड बुक लिखा है शशि थरूर ने जिसका नाम है इंडिया द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर इज़ नाउ। उम्मीद है कि मैं जो इतने भी बुक्स आपको करवा रहा हूँ आपको सारे याद होंगे। आप पुस्तक और लेखन यानी ऑथर्स बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज़ का पार्ट थर्ड देख सकते हैं। इसके अलावा बाफ्टा अवार्ड अगर अभी तक नहीं देखा है तो सुपर इम्पॉर्टेंट है 2020 के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप इंग्लिश के वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप ईडियम फ्रेजेस देखिए मैंने यहाँ पर, इसके अलावा भी बहुत सारे कवर करवाए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, और साथ ही सब्सक्राइब करिए एसएससी एरिना को फॉर सच मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।